अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में आरजी यानी कि जमीन के तनाजे को लेकर ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर लंगर हाउस पुलिस आकर लाख डाल के चाबी लेकर चले गई है और ये कह रही है कि डॉक्यूमेंट लाओ बताओ। हम ये पूछना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट देखने का इख्तियार पुलिस को किसने दिया? अब कब्जा जिसका है हालांकि उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी कार्रवाई होगी अदालत से होगी, लेकिन पुलिस सिविल मामलों में इन्वॉल्व होकर अपनी जेब गर्म कर रही है। शहर के कई पुलिस स्टेशनों में ऐसा किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस को चाहिए कि ऐसे ओहदेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो सिविल मामलों में इन्वॉल्व होकर लाख डाल के चाबी लेके चले जाएं और फिर ये कहें कि डॉक्यूमेंट लाके बताइए। आप कौन होते डॉक्यूमेंट चेक करने वाले? आपको क्या इख्तियार है? क्या आप जज हैं? आप जज नहीं हैं, आपको कोई इख्तियार नहीं है डॉक्यूमेंट चेक करने का। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरी जो है ज़मीन थी भाई यहाँ पे लंगर हाउस पे डिफेंस कॉलोनी में, प्लॉट नंबर 6 है मेरी ज़मीन का प्लॉट नंबर। तो यहाँ पे जो है हम लोग ज़मीन लिए थे, तो ज़मीन प्लस जो है मकान दोनों भी बना हुआ है। वहाँ पे जो है मैं 3:30 बजे तक था, वहाँ पे मैं बैठा हुआ, मैं जब तक कुछ भी नहीं हुआ 3:30 बजे के बाद मैं बाहर निकला था मैं काम से। तो उतने में जो है पुलिस वाले आए, 10-15 पुलिस वाले, मेन पुलिस लेडी पुलिस दोनों भी आए, आके जो है क्या करते हमको निकाल दिए। निकाल के जो है हमारे जो निगरानी करते उनको भी हटा देगा, जो है लॉक डाल दिए। बोल लोगों को क्या हक है साहब वो करने का, और कोई मंजू बोल के कोई है उन्हें जो है पूरा ये फसाद की जड़ कर रहा है। क्या बोल के निकाले? कुछ भी नहीं बोले, हमको जवाब कुछ भी नहीं दिया। अभी हम पूछ रहे हैं हम तो जो है नहीं नहीं परसों आओ, दो दिन के बाद आओ। जब 280 गज है इसके नाम पे जमीन, ये मेरे नाम पे और हमारे भाई अनवर भाई के नाम पे। और जो है मेरे से पूछे पैसे लेके कहाँ से है? मेरे बाबा 10 साल अमेरिका में रहे, मेरा भाई जो है अफिल वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, और मेरे ये जो है ना बोनी उन्होंने डॉक्टर है। कितने महीने पहले खरीदे आप जमीन? मैं एक महीना पहले लिया। मैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है मेरे पास, आप डॉक्यूमेंट अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। आंटी के नाम से है ये, ये देखिए ये मेरी फोटो है रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो है गोलकुंडा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है अत्तापुर के पास, वहाँ पे जो है वो कराए रजिस्ट्री कराए, हर चीज़ क्लियर है वो उसके पास। हाँ ये लंगर हाउस पीएस है, ये लंगर हाउस पीएस के पास जो है हमारे को जो है लोग निकाल दिए हमको हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर से। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी नहीं बोल रहे, दो दिन के बाद बात करेंगे बोल के बोल रहे हैं। लॉक डाल दिए, लॉक डाल के जो है चाबियां ले लेके जो है बोलना अपने कस्टडी में रख लिए पुलिस वाले। और वहाँ पे जो है घर में जो निगरानकार है उनके पास चूंकि छोटे बच्चे हैं उनके कपड़े हैं वहाँ पे, और जो है पलटा के जो है खाना बना हुआ है वहाँ पे उन लोगों का। अब ये ना क्या करेंगे वो लोग, वहाँ पर कोई और जो है उनकी ज़मीन बता रहे थे, उन्हें कौन है? अरे उनका कुछ भी ताल्लुक नहीं है भाई, उनका कुछ भी ताल्लुक नहीं है। कोई एक डॉक्यूमेंट में उनका नाम दिखा दो आप। उनका नाम भाई जो इंटरफेयर कर रहे हैं, ये जो है उनका नाम मंजू नाम है, उनका नाम क्या कि सादे खैदर बोल के हैं, सादे खैदर रजवी, ये आंटी के पुराने दामाद थे, ये खरीदे थे उनके दामाद, उनके पुराने दामाद थे, उनको भी जो है धोखा दे के जो है ना दूसरी शादी के लिए कर लेके जो है ना ये ना वो करे, और जीरोक्स कराने के बहाने से उनसे पेपर लेके पेपर गुम गए बोल के परसों सी आई साहब के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने सब हो गया, उनका नाम ही नहीं है। थी आई साहब भी परसों यही बोले थे। तो क्या रिस्पॉन्स मिला? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको, हमारे को रिस्पॉन्स होना, हमको हमारी चाबी हमारे को होना, वहाँ पे बच्चे हैं छोटे है, फैमिली है, औरतें हैं। ये ज़मीन मेरी थी, मेरी और मेरे बेटे की थी, और मैं बेची, ये पूरे मेरे डॉक्यूमेंट सही है पूरे, जो है नल के लाइट के और टैक्स के जो है, ये 280 गज है ये मैं बेची। ये सादे खैदर को कुछ इसमें वो नहीं है, मैं जो है मंजिला से ख़रीदी और मेरे पेपर आए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट सही है, और जो है इन्हें जो है मेरे पूरे ज़मीना बेच के खाया। हाँ, डॉक्यूमेंट मेरे ज़मीना जो है वहाँ के शमशाबाद के ज़मीना 3 ज़मीना बेच के खा गया मेरे सेना कर लेके। मैं जो अमेरिका को बेटे के पास गई, उन्हें जो है जाली सेना करके बेच लिया। मौला अली पे भी कब्ज़ा कर लिया, मौला अली पे मेरे
18 एकड़ जमीन है। ये जमीन जो है कॉलोनी में है, प्लाट नंबर 6 है। जो आज जो है मैं अंदर थी, पुलिस वाले आके जो है खुफल डाल दी, मैं उसके ऊपर ही थी, जमीन पे थी मैं। हाँ, जमीन पे थी मैं, ये लोगों के साथ मौजूद थी मैं, आके खुफल डाल दी वहाँ। जमीन है, घर है, घर है, घर है, रूमा है, रूमा है, घर मैं बनाई, रूमा 4 साल पहले मैं बनाई, वो निगरानी घरों में जी हाँ थे, मैं रखी थी निगरानी के लिए है, उन्होंने भी है, उन्होंने भी बयान देते बोले तो सुने आप। अब बाहर हम लोग को बाहर निकाल के खुफल डाल दिए। क्या वजह बोल के निकाले आप? वजह क्या बताए भाई आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी वजह नहीं बोले ऑलरेडी कंप्लेन है, वो मंजू की कंप्लेन है बोल के निकाले, और उसका नाम नहीं है इसके अंदर, ये जमीन में कुछ नहीं, कोर्ट के पेपर्स कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। देखो आप डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे सही है, मैं रजिस्ट्री कराई लोगों को, हमें पैसे दे दिए लोग, हमें उसकी साली से उन्हें रजिस्ट्री कराया था, मैं बेची और मेरे को पूरे पैसे आ गए, ये लोग कुछ मेरे को बाकी नहीं है सुने आप। अरे मेरे को जो है मैं आई थी जमीन के ऊपर, अरे जो है बहुत तंग करके रख दिया इन्हें हमारे को, मेरा दामाद नहीं होता और गंदे गंदे गालियां दे रहा मेरे को और मेरे बेटे को, मेरी छोटी बेटी को सुने आप, गलीज से गलीज गालियां दे रहा इन्हें। पुलिस स्टेशन पर आए तो मैं पुलिस स्टेशन के बाद आए तो पूरा फैसला होगा, उन्होंने बोले कोर्ट को जाओ, तेरे पास अगर प्रूफ है तो डालो बोल के बोल दिया उसको। आप दो दिन के बाद में आओ, चाबियां पीएस में है, चाबियां हाँ पुलिस वाले लाग कर दिए। हाँ लंगर हाउस पी एस को ये जब आए थे वो मंजू बोल के जो आए थे, हम भी आए थे पी एस को, तो पी एस को आने के बाद में सर्कल साहब के वो पार्टी भी बैठी, आंटी भी बैठे, ये पूरे लोग बैठे, सर्कल साहब ये बताए कि आप कुछ है आपका, तो आपको पेपर है तो बताओ, तो वो बोला पेपर हमारे पास कुछ नहीं है, पेपर नहीं है तो सर्कल साहब बोले आपके पास कुछ है तो कोर्ट को चले जाओ, कोर्ट को जाने के लिए नहीं आगे, फिर सर्कल साहब से ये क्या कर रहे हैं, मैं तो एक पॉलिटिकल दबाव, एक कोई बीजेपी हाशिम है वो बीजेपी वालों को ले लेके फिर के ये क्या करा बोले, तो आज यहाँ पे सर्कल साहब के ऊपर कुछ प्रेशर डालने के बाद सर्कल साहब क्या करे, यहाँ से जवानों को 8-10 जवानों को लेडीज़ पुलिस को भी भेज के वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर सो रहे थे लोग, उनको हटा के वो चाबी लाख डाल के लेके चले गए, तो सर्कल साहब से हम आके पूछे साहब ये ऐसा है, तो आप चलिए बाहर निकलिए, हमको पूछ रहे हैं आप कौन थे, नाम पे इनका है, तो अरे नाम पे उनका है ठीक है उनके नाम पे, ये हमारे कज़न है, मेरे भाई है, ये मेरा दोस्त है, तो क्या हम एक, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक पॉलिटिक्स भाई, एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी साबिका, तो हमारे को इतना हक नहीं बनता कि मेरे एक पॉलिटिकल को पॉलिटिशियन को पुलिस स्टेशन में बात करने का हक नहीं, क्या पुलिस स्टेशन हमारे लिए है या और किसी के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक की बात सुनने के लिए, तो ये लाइन ग्राफरों के लिए पुलिस स्टेशन है क्या? और उसके जो है इससे पहले भी जो लैंड ग्रैबिंग हुआ है, सके भवन को जो है वो करा उन्हें क्या, तो ये लाइन ग्राफरों का तो जगह नहीं है ना, तो अच्छा जुनून लोगों को घर में से निकाल के आप लाख डाल दे रहे हैं, जो लाइन ग्राफर आके आपको बोला तो लाइन ग्राफर का आप सुन के आप 2 दिन का टाइम, ये छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाना, आज वो रोड पे है, हम सर्कल साहब हम सीआई साहब को पूछे कहाँ पे लाके आपके पीएस में आप सोला लो बोलते हो, सर्कल साहब बोल रहे आप यहाँ से जाते नहीं जाते पूछ रहे, तो बच्चे कहाँ क्या करते बोल के बोल रहे, वो कहाँ जाना वो बच्चे ऐसा क्या क्या करते बोल यहाँ पे बोल के बोल रहे, अभी कंप्लेन नहीं करा, कंप्लेन ले ही नहीं, कंप्लेन लिए तो ना 2 दिन के बाद आओ बोल रहे, कंप्लेन नहीं 2 दिन का मतलब ये है कि उनको एक पॉलिटिकल उनको क्या हो गया प्रेशर है, वो प्रेशर के अंदर काम कर रहे, तो प्रेशर के काम क्या पैसा देके जो प्रॉपर्टी खरीदे वो प्रॉपर्टी का कुछ हम हकदार नहीं है इन लोग, तो हम नहीं कंप्लेन भी नहीं ले रहे, और मेरे को कंप्लेन है मेरे से जो है पूछ रहे सुने रहा आप कहाँ से लाए पैसे कहाँ से लेके बोल के पूछ रहे पैसे, मैं उनको हिसाब दिखाना मैं हाँ नहीं पुलिस नहीं पुलिस स्टेशन के पैसे पूछेंगे आप कहाँ से पैसे लाए, मैं टैक्स पे ही हूँ, मैं मेरा जो है 14 साल से मेरा बिजनेस है मेरा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा।
नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। शहर की खबर है, गाँव की खबर है, सारी दुनिया की 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।